तो हे गाइस, फाइनली आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपका मदरबोर्ड है MSI B450 टोमोहक मैक्स मदरबोर्ड, जो कि यार काफी अच्छा मदरबोर्ड है, काफी बजट में आता है। तो आप सभी को पता होगा इस मदरबोर्ड के साथ आपको RGB भी देखने को मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने लगा कि कैसे आप इस मदरबोर्ड की RGB को चेंज कर सकते हो। तो कैसे आप इस मदरबोर्ड की RGB को एक सॉफ्टवेयर की मदद से चेंज कर सकते हो। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो ऑफिशियल MSI का ही सॉफ्टवेयर है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने लगा कि कैसे आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, कैसे उसे इंस्टॉल करना है और उसे कैसे यूज करते हैं, मतलब कि इस मदरबोर्ड की RGB को कैसे चेंज करते हैं। तो गाइस आपको भी जानना है इस मदरबोर्ड की RGB को कैसे चेंज करते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है इसी के बारे में तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेरा नाम है लवली और आप देख रहे हो स्क्रैच टैग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ऐसी PC रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात करी जाती है। अगर आपका भी इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीजों में तो क्या कर रहे हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस हम अपने YouTube चैनल पे अनबॉक्सिंग, रिव्यू, बेंचमार्क और PC बिल्ड करते रहते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है इन सब चीजों में तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगती है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो के तरफ। तो गाइस फटाक से मैं आपको बता देता हूँ उस सॉफ्टवेयर को आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो आपको अपने PC के अंदर कोई भी ब्राउजर को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद सिंपल आपको टाइप करना है MSI ड्रैगन सेंटर। टाइप करने के बाद कुछ इस तरीके की आपके सामने वेबसाइट आ जाएंगी। तो आपको सबसे पहली वाली वेबसाइट पे आ जाना है MSI ड्रैगन सेंटर डाउनलोड। तो इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद कुछ इस तरीके की आपको ये वेबसाइट मिलेगी। तो ये जो वेबसाइट है ऑफिशियल MSI की वेबसाइट है। तो आपको इस वेबसाइट पे MSI के सॉफ्टवेयर देखने को मिलते रहते हैं। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछेगा कि जो सॉफ्टवेयर आप इसे कहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हो। तो सिंपली आपको जहाँ भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है आपको वहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ से सेव कर देना है। तो मैं इसे डाउनलोड में ही रहने देता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपली आपको शो ऑल पे कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है 500 MB का सॉफ्टवेयर है, तो आपको इसे होने देना है। तो मिलते हैं फिर आगे। तो गाइस अब जब आपका ये सॉफ्टवेयर है हो चुका है डाउनलोड, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको सो इन फोल्डर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपका जो सॉफ्टवेयर है ये एक जिप फाइल के अंदर देखने को मिलता है। पहला आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है, फिर आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है। तो फटाक से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के बारे में। तो अब जब आपका सॉफ्टवेयर है ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, होने का तो कुछ आपको ऐसा इंस्टॉलर देखने को मिल जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने का तो अब आपके सामने कुछ ऐसा इंस्टॉलर खुल के आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ से लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं इंग्लिश रहने देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है ये रेडी है इंस्टॉल होने के लिए, तो सिंपली आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो अब जब कई सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस अब जब के सॉफ्टवेयर है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ आप अपने मदरबोर्ड की RGB को कैसे चेंज कर सकते हो। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने सब कुछ यहाँ से काट देना है। काटने के बाद आपको अपना PC एक बार रिफ्रेश करना है। करने के बाद आपको स्टार्ट बटन पर आ जाना है। तो स्टार्ट बटन पर आने के बाद आपको सबसे ऊपर में आ जाना है, आपको यहाँ सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है ड्रैगन सेंटर। तो ये वही सॉफ्टवेयर जो हमने डाउनलोड किया था। तो सिंपली आपको इस पर कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सॉफ्टवेयर खुल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है MSI ड्रैगन सेंटर। अब आपसे कुछ ये इमेज दिखा रहा है, कुछ इस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना है। आप इसे डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते हो, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसे एग्जिट कर देना है, मतलब इसे काट देना है। काटने के बाद आपको अपने PC एक बार रिफ्रेश करना है। करने के बाद आपको दोबारा स्टार्ट बटन पर जाना है और दोबारा उसी आइकन पर जाना है, इस सॉफ्टवेयर के आइकन पर। फिर आपको उस पर लेफ्ट क्लिक करना है रखे हुए, रख करने के बाद फिर आपको मोर ऑप्शन पर आना है। आने के बाद यहाँ पे आप रन एज मिनिस्टर दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद अब आपके सामने सॉफ्टवेयर खुल के आ जाएगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आप स्क्रॉल करना है इसको। ये कुछ प्राइवेसी पॉलिसी आपको दिखा रहा है इस सॉफ्टवेयर की, तो सिंपली आपको स्क्रॉल कर देना है। तो यहाँ से समय बिल्कुल लास्ट में आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। करने के बाद इसको भी आपको स्क्रॉल करना है, तो इसको भी हम स्क्रॉल कर लेते हैं। करने के बाद अब आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है, इस पर टिक कर देना है। करने के बाद अब आपको यहाँ ओके का ऑप्शन आ जाता है, तो सिंपली आपको ओके क्लिक कर देना है। करने के बाद अब आपका जो सॉफ्टवेयर है ये दोबारा एक बार इंस्टॉल होगा, तो इसे इंस्टॉल होने देना है।
तो गाइस अब जब के सॉफ्टवेयर है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था ये सॉफ्टवेयर एक और बार इंस्टॉल होता है क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो फीचर्स मिलते हैं वही ये सॉफ्टवेयर अपने अंदर इंस्टॉल करता है, तो उसके अंदर आपका थोड़ा समय लग सकता है, तो उसे कैंसिल नहीं करना है। तो वो पार्ट मैंने एडिटिंग के अंदर काट दिया है, तो ये मत समझना कि मेरे पीसी के अंदर जल्दी कर दिया, आपके पीसी के अंदर समय क्यों लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके अंदर थोड़ा समय लगता है, तो इस वजह से मैंने एडिटिंग के अंदर वो काट दिया है। तो अब आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाती है। अब आपसे लॉग इन आईडी मांग रहा है, अगर आपके पास आईडी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप यहाँ से फेसबुक या गूगल से इस अकाउंट को लिंक कर सकते हो। अगर आप आईडी बनाना नहीं चाहते हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्किप का बटन देखने को मिल जाता है, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से इसे स्किप कर देता हूँ, कुछ इस तरीके का आपको भी सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको यार बताता हूँ आप अपने मदरबोर्ड की RGB को कैसे चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि आप बहुत देर से वेट कर रहे थे कब बताएगा, तो फाइनली यार मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको लेफ्ट कॉर्नर में आना है, आने के बाद आपको यहाँ कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो आपको सबसे लास्ट वाले फीचर्स पे आ जाना है मिथिक लाइट्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आपको यहाँ पे देख सकते हो आपके मदरबोर्ड की इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपके मदरबोर्ड की RGB है वो चेंज हो रही है। तो आपको यहाँ पे LED स्टाइल देखने को मिल जाता है इधर साइड राइट कॉर्नर में। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफॉल्ट कलर साइकिल के अंदर है, तो देख सकते हो जो आपकी कलर साइकिल है वो बाय डिफॉल्ट है, तो आपके मदरबोर्ड की जो RGB है वो भी चेंज हो रही है। तो आपके यहाँ काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे पहला आपका ऑफ देखने को मिल जाता है, तो आप जैसे इसे क्लिक करोगे यहाँ से अप्लाई करोगे तो आपकी जो मदरबोर्ड की RGB है वो ऑफ हो जाएंगी परमानेंटली। अब आप आपको और भी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि कलर साइकिल मिल जाता है जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, आप यहाँ से ब्रीथिंग साइकिल भी देखने को मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ से अप्लाई करोगे तो आपकी जो मदरबोर्ड की RGB है वो ब्रीथिंग साइकिल के अंदर चलने लग जाएगी। आप अपने मदरबोर्ड की तरफ देख रहे होगे इस टाइम, मुझे पता है नॉर्मली यार ऐसे ही होता है, ठीक है ना, देखते भी तो है कि चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसी है सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे फ्लैशिंग लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप यहाँ से अप्लाई करोगे तो वो भी आपको फ्लैशिंग लाइट की तरह जैसे आपकी मोबाइल की लाइट फ्लैश करती है ना उसी तरह चलने लग जाएगा। तो और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, अब जिस तरह आप यहाँ रखना चाहते हो जैसी आपकी पसंद है वो आप रख सकते हो। रखने का यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है और आपकी जो RGB है वो चेंज होने लग जाएगी। अब आपके यहाँ कुछ प्रोफाइल देखने को मिल जाते हैं जिसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, अगर आप फ्लैशिंग की बनाना चाहते हो फ्लैशिंग अप्लाई कर दिया, दूसरी प्रोफाइल के अंदर आप यहाँ से CPU टेम्परेचर की बना सकते हो आप यहाँ से अप्लाई कर देना, तो आप यहाँ पे जैसे प्रोफाइल 3 पे क्लिक करोगे तो आपकी जो है वो फ्लैशिंग के अंदर जलने लग जाएगी, प्रोफाइल 2 के अंदर करोगे तो CPU टेम्परेचर और प्रोफाइल 1 के अंदर जो भी आपको बनाना है। इस तरह आप अपने मदरबोर्ड के RGB चेंज कर सकते हो। और भी आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है, मॉनिटर देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप अपनी CPU की फ्रिक्वेंसी CPU यूजेस देख सकते हो, काफी सारे फीचर्स आपको इस सॉफ्टवेयर के साथ देखने को मिल जाते हैं। काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, काफी ज्यादा प्रोफेशनल फीलिंग आपको प्रोवाइड करता है। तो मैंने आपको बताया था किस तरह आप अपनी मदरबोर्ड के RGB को चेंज कर सकते हो। तो गाइस अब मैंने आपको बता दिया है इस मदरबोर्ड की RGB को कैसे चेंज करना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं या आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी है या आपकी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो गाइस आपका भी इंटरेस्ट है ऐसी PC टच कंटेंट में तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल पे अनबॉक्सिंग रिव्यू बेंचमार्क और PC बिल्डर करते रहते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीजों में तो क्या कर रहे हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।